भाई गोपाल नेते ने एक बात पूछी थी, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला के रहस्य। भरती महाराज शिशुता में जब मगन हो रहे, भरती के प्रेम को देख करके किसका हृदय अपने भाव करके पूर्ण नहीं होता। इस समय के बीच के मां भरती महाराज मनी मन में विचार करने लगे, उनकी दाई भुजा फड़कने लगी, दया नेत्र फड़कने लगा, मानो ऐसा सुगंध होना, ऐसे सुगंध होने लगी कि मानो भगवान राम आ रहे हैं। 14 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर भरती मन ही मन के वहां विचार करने लगे। 14 वर्ष की अवधि में केवल एक ही दिन शेष रह गया तो भगवान क्यों नहीं आए। रहा एक जीव अवधि आधारा, जत मन दुख भयेउ अपारा, प्राणों की बाजी थी और उसके आधार के लिए एक ही दिन बच रहा, भगवान क्यों नहीं आए, ये विचार मन ही मन में करने लगे। कारण कारण नाथ नहीं आए, जानी कुटिल किंदु मोहि बिसराए, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसराए, भगवान क्यों नहीं आए, मुझको कुटिल जान करके उन्होंने मुझको भुला दिया। विश्वास दृढ़ सो क्या होने की बात, अब जी बीती जाए तो देह में प्राण नहीं रहेंगे। यदि मेरा वास्तव में भगवान में प्रेम है तो उसके देह की व्याकुलता में मेरे प्राण चले जाएंगे, और रह जा तो मेरा दिखाने मात्र का प्रेम है, दम पाखंड है, तो ऐसा करना पापी का काम है, तो मेरे समान फिर कौन पापी है। मैं जब अग्नि में प्रवेश होकर मेरे प्राणों का त्याग करूं तो ये तो बलात्कार से कोई भी त्याग कर सकता। इस प्रकार से भगवान के विरह में व्याकुल होकर के और विरह के वियोग में मगन हो गई। राम वीर सागर मन बरस मगन मन हो, विप्ररूप धरि पवन सुत आए गए जिनि पोत, का जो वियोग है वे वो एक भक्त के लिए एक प्रकार से सागर है, तो उस विरह रूपी सागर के मां भक्त का मन मगन हो गया। और ऐसे वहां ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी आप उनके और भक्त को बचा, नौका रूप होकर के हनुमान जी पहुंचे, जैसे डूबते हुए को नौका पहुंच जाती है ऐसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे। हनुमान जी ने देखा उसकी,
राम राम रघुपति जपत है क्रम नयन जल जात भरजी महाराज उषा के आश्रम पर बैठे थे और देखा उनके जटा का ही मुकुट रहा राजा का मुकुट उड़ना चाहिए तो जटा का ही मुकुट और भगवान के विरह के व्याकुल ऐसे हो गए कि उनका शरीर तृष्ट हो गया था और राम राम इस प्रकार से भगवान के नाम को रख रहे थे और नेत्रों में आंसू पास बह रहे थे विरह की व्याकुलता के कारण। ये देख करके वो हर्षित हो गए, उनके शरीर में रोमांच हो गए और ये खबर सुनाई कि जिनके नाम की आप रचना कर रहे हो वह श्री राम सीता और लक्ष्मण से सहित आप पहुंचे शत्रु के दल को मार कर करके और वे आप पहुंच गए हैं। इतना सुनने के साथ कम करके उठे, क्या बात है, ये कौन बदल सुनाता है, जैसे प्यासे आदमी को कोई अमृत पिला दे वे और वो मुग्ध हो जाए, इस प्रकार से आपने बचनों को सुन करके और जो व्याकुल अवस्था थी विरह की व्याकुलता थी वो सूर्य की करुणा रस आपने प्रेम रस में बदल गया। प्रेम के वहां मुग्ध होकर के बोले को तू मैं चाहते कहां फिर आए मोही परम प्रिय वचन सुनाए भरजी ने कहा हे दास हे मेरे प्यारे तुम कौन हो और कहां से आ गए मुझको प्रिय वचनी परम प्रिय वचन तेने सुनाए। हनुमान जी उत्तर देते हैं मारू चे सूत में कपि हनुमान नाम मोरे सुनो कृपा कृपा निधान मेरे नाम को सुनो, मैं वायु का पुत्र हूँ और जाति का बंदर हूँ और हनुमान मेरा नाम और मैं रघुनाथ जी का एक किंकर हूँ दासानुदास इतना सुनने क्या देखकर के मुझके ऋण से मुक्त हो जाऊं। ये ही संदेश है शरी से जग माई करी विचार देखा कछु नाही हनुमान तुमने जो संदेशा दिया बधाई दी इसके समान दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। देखता हूँ तो सब अंधकार ही अंधकार देखता है, मैं इसके बदले में तुम्हारे को क्या पुरस्कार दूँ। तो ना ही ने चाहते उरी ने मैं तो ही और अब प्रभु चरित सुनावहु मोही श्वेता है मेरे प्यारे मैं तुम्हारे ऋण से कभी छूटने का नहीं। प्रभु के जो चरित्र है
प्रेम में जो प्रभु के चरित्र है उसको सुनाओ। ये देखे कि हनुमान जी मुग्ध हो गए कि भगवान राम कहते थे मेरा भाई भरत ऐसा, मेरा भाई भरत ऐसा। आज मैं देख करके मुग्ध हो गया। हनुमान के मन में कुछ ये था कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, वो एक अभिमान जाता रहे भक्त के प्रेम को खींच करके। फिर दौड़ करके हनुमान जी वहां भगवान के पास पहुंचे और भगवान विमान में बैठ करके और आकाश में उड़े जहां थी और एक प्रकार से थी अयोध्या को आ रही, श्रृंगेपुर से अयोध्या को आ रही। तुलसी रामायण के वहां हनुमान जी श्रृंगेपुर गए एक प्रकार से थी, वो विमान श्रृंगेपुर में ठहरा था। और वाल्मीकि रामायण के बीच के वहां अपने वो विमान भरद्वाज ऋषि के यहाँ ठहरा था और हनुमान जी वहां गए नहीं, भक्तों लेकर जा रहे थे और रस्ते में आता विमान मिल गया और महाराज उस विमान को यहाँ ही उतारा और भक्त को कह लिया भैया भैया, प्रेम से खूब लाड प्यार किया। ये कथा जो है सो पद्म पुराण में आती, ख्याल करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बांधवों के और हनुमान के सबके से बैठ करके आकाश में वायुवान में आए और भगवान सबको बतला रहे रास्ता में कि भैया देखो ये जो नदी जिसकी है ना इसका नाम सरजू है और इसमें स्नान करने से आप मुक्ति के देने वाली है और आगे जो शहर दिखता है इसका नाम अयोध्या और ये मेरी पूरी धाम को देने वाली है, मेरी जन्मभूमि है। सब कोई वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं किंतु अवधपाती जैसे मुझको प्यारे लगते हैं ऐसा वैकुंठ भी प्यारा नहीं लगता, किंतु इसका जो रहस्य कोई कोई जानता। सब कोई वैकुंठ का बखान करते हैं। अवध सारी स प्रिय मोही में सो, अवध सारी स प्रिय मोही में सो, ये प्रसंग जान ही को रहस्य जान ही को इसी चौपाई का भाव पूछा था कि इसमें क्या रहस्य था। तो अवधवासी उनको इतना प्रिय थे कि जो वैकुंठ भी नहीं ध्यान देना चाहिए वहां के प्रसंग को देख। जब भगवान वायुयान में बैठ करके आ रहे हैं तो अवधवासी अपने प्रेम से आनंद से उछल रहे हैं भगवान के दर्शनों के लिए और दौड़ करके वायुयान जहाँ ठहरना चाहिए वहां सब लोग आ रहे हैं। कोई बालक और वृद्ध को भी साथ में नहीं लेते और उस समय के वहां आचार्यों के वहां बैठ करके माता बहना भगवान के विमान का दर्शन कर रही हैं और मंगलाचरण गीत गा रही है। जैसे पूर्णिमा के समुद्र पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके समुद्र जैसे उछलता है, इस प्रकार से अयोध्या के लोग भगवान के दर्शन के अभिलाषी होकर के उछल रहे हैं। तो ये बात वैकुंठ में नहीं जो अयोध्या में हो रही, तो सभी कोई एकदम प्रेम के वहां मुग्ध हो रहे हैं। इसलिए भगवान ने ये कहा इसका रहस्य क्या है कि जितना प्रेम इस समय के वहां अयोध्यावासियों के हृदय में है ऐसा वैकुंठ वासियों के हृदय में नहीं, उससे भी बढ़ करके है। तो रहस्य का यह मतलब है कि जैसा अयोध्यावासियों के हृदय में प्रेम का भाव है ऐसा वैकुंठ वासियों के हृदय में भी नहीं है। श्री भगवान
वहां पहुंच ही गए और पहुंच करके मुनियों से मुनियों के चरणों में नमस्कार किया और सबसे मिले और राम लक्ष्मण जो भरत शत्रुघ्न भाइयों से मिले बड़े प्रेम के वहां मुग्ध हो गए और वे प्रेम के प्यासे सब कोई जो भगवान से मिलने के लिए आए थे अयोध्यावासी बहुत संख्या में थे। भगवान ने देखा कि क्या उपाय करना चाहिए सबको कैसे मिले और सभी उत्सुक है सभी एक से एक बढ़कर है। तो उस वक्त में भगवान ने एक कौतुक किया अद्भुत लीला की आपके अनंत रूप धारण कर लिए अमित रूप प्रगटेक्षण माही और यथा योग मिले सब ही गुसाई अमित रूप जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया और बच्चों का ऐसे भगवान अपना ही अनेक रूप धारण कर लिए और यथा योग सबसे मिले भगवान से जो बड़े हैं उनको भगवान नमस्कार करके मिले और भगवान से छोटे हैं भगवान के चरणों में मिले उनको उठाकर भगवान ने अपने हृदय के लगाया और बराबर अवस्थाओं से भगवान अपने हृदय के लगा करके मिले यथा योग भगवान से भगवान सबसे मिले क्षण में सकल मिले भगवान मरमय काउन जाना एक क्षण के बीच के माँ भगवान सबसे मिल दिए और इसका जो मर्म है इसका जो रहस्य है कोई भी नहीं समझा। जिससे भगवान मिलते हैं वो यही समझता है कि मेरे पर बड़ी भारी दया है कितना प्रेम है वो प्रेम के मां ऐसा मुग्ध हो गया उसको ये ज्ञान नहीं कि भगवान ऐसे सब से मिल रहे हैं वो समझता है कि तेरे से भगवान मिल रहे हैं। ये देखकर उसको आश्चर्य होता है प्रेम होता है आनंद होता है उस आश्चर्य में ऐसा मगन हो गया उस प्रेम में आनंद में ऐसा मगन हो गया उसको अपना ही पूरा होश नहीं रहा और दूसरों का होश क्या रहे केवल भगवान के उस दया प्रेम को देख करके और वो तो मुग्ध हो गया। 6 बजे ख्याल करना चाहिए कि एक प्रकार से यहाँ यदि पूछो कि रहस्य क्या यहाँ पर फिर रहस्य की बात आ गई तो यहाँ ये रहस्य है गुप्त बात है कि भगवान जो मिल रहे हैं प्रेम से सब इतने प्रेम में डूब गए मुग्ध हो गए कि आपने किसी को एक को दूसरे का पता नहीं कि भगवान सबसे ही मिल रहे हैं भगवान सबसे मिल रहे हैं भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिए है इस बात का जो रहस्य है कोई नहीं सुन। तो इसी प्रकार से हरेक भगवान की लीला में गुण प्रभाव तब तो है नीति और ये सब समझना चाहिए या नीति क्या है कि यथा योग मिले सभी गुणसाई यथा योग ये नीति है और यहाँ रहस्य क्या है ये रहस्य है और प्रभाव क्या है ये प्रभाव है भगवान ने अग्रित रूप क्षणमात्र में धारण कर लिए ये भगवान का अद्भुत प्रभाव है और इसको कोई समझा नहीं कि ये यहाँ रहस्य है। वहाँ जो रहस्य बताया था आपने अयोध्यावासियों का प्रेम अभी के यहाँ यह रहस्य है कि कोई समझा नहीं कि भगवान क्या अद्भुत लीला करी। तो इस प्रकार से और गुण भगवान की जो सब पर दया थी प्रेम था ये तो गुण है गुण प्रभाव और तत्व यह है कि वो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है वही खुद राम है और जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है वही राम और राम ही अनंत रूप धारण किए
तो जितने रूप धारण किए और भगवान का राम का जो खास रूप है और सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब एक ही चीज है, ये समझना, इसके तत्वों को समझना है। और समय हो गया। नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण आनंद 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 राम भोजन के बाद भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के गुण प्रभाव तत्व रहस्यिका दिग्दर्शन विषय प्रवर्तन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति अषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी सम्मत 2020 तदनुसार तारीख 19/6/63 के दिन में 5 बजे करीब गीता भवन में दिया गया।